फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं को देखेंगे। तो चलिए रचनाएं के प्रश्नों को हल करें। रचनाएं से जैक बोर्ड की परीक्षा में 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले एक सरल रेखाखंड खींचते हैं। यह हो गया आपका एक सरल रेखाखंड और इसे सात पॉइंट छः में विभाजित करते हैं। तो ये देखिए 7.6 ले लिए, अब इससे 7.6 से विभाजित करते हैं। ये हो गया 7.6 का रेखाखंड ए बी, नामकरण भी कर देते हैं, ये मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। उसके बाद ए से न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण खींचते हैं। तो सबसे बेटर होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का ही एक कोण लेते हैं। उसी प्रकार से बी में भी एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह हो गया, उसके बाद एक 60 डिग्री का चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद यह हो गया ऐसे, और इसको इससे मिला देते हैं। कितना अनुपात में बोला है? 5:8, 5:8 अनुपात में बोला है। तो इसको हम ऊपर वाले को 5 बार प्रतिच्छेद करेंगे। तो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें भी 8 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 1, 8। नाम फटाफट दे देते हैं, इसको मान लेते A1, A2, A3, A4, इसको A5। उसी प्रकार से इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और A5 को B8 से मिला देंगे। ऐसे मिला दिए तो ये हो गया, विभाजित हो गया 7.6 को। अब क्या बोल रहा है? इसको मापने बोल रहा है। तो मापते हैं, देखिए AO को मापते हैं। तो AO कितना आता है? ये देखिए AO का माप आ गया 2.9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम OB को मापते हैं। तो ये आ जाता है आपका OB, OB की 4.7 सेंटीमीटर। जोड़ देते हैं, 16.7 सेंटीमीटर हो गया AB। ये हो गया आपका फुल्ली सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको आपके जैक बोर्ड में बनाना होगा, जिससे आपको कंप्लीटली 3 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वे भी सीख सकें। थैंक यू।